हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर पेपर है, यानी जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जैसा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों स्टूडेंट्स का जो को करिकुलर पेपर होता है वो सेम होता है, सेम पेपर आता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं। यानी तीनों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो को करिकुलर पेपर अपने सेकेंड सेमेस्टर में देना है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सॉल्व्ड मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर होता है उसमें ओएमआर शीट पर आपको आंसर का टिक करना होता है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें थ्योरी वाला एग्जाम नहीं होता, बस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सभी यूनिवर्सिटीज में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपके फर्स्ट एयर एंड हेल्थ के बताने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हृदय बना है तो हृदय अनैच्छिक पेशियों द्वारा बना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जितने भी मैं आपके प्रश्न बता रही हूँ सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके फर्स्ट एयर एंड हेल्थ के पेपर में यही प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, रक्त के कार्य हैं, तो रक्त का कार्य है रोगों से सुरक्षा करना। फिर है भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है, तो जो भोजन है वो हमारे शरीर के छोटी आंत में अवशोषित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए, लार का पीएच मान होता है, तो जो लार होती है तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए, मैं आपकी आसानी के लिए ही ऑप्शंस पे टिक लगा देती हूँ। उसके बाद देखिए, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, तो जो ग्रसनी की लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगला है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट, हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका या जोर पड़ने से क्या होता है, मोच आ जाती है। जब भी हड्डी के जोड़ पर अचानक से झटका पड़ेगा या कोई जोर पड़ेगा तो क्या होता है कि हमें मोच आ जाती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है, तो देखिए रूमेटिक फीवर जो है वो मानसिक रोगों में शामिल नहीं है, बाकी ये सारे क्या है, मानसिक रोग में शामिल है, तो डी आपका क्या है, करेक्ट है। फिर है, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता, यानी एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा तो उसे क्या नहीं मिलेगा, तो उसे स्नेह नहीं मिलेगा तो भी उसे मानसिक बीमारी होगी, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो भी होगी, मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं दिया जाएगा तो भी होगी, तो इसलिए ये उपर्युक्त सभी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। फिर आपका अगला है, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था, तो जो आपका एड्स वायरस है ये 1981 में सबसे पहले देखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फिर है, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है, तो देखिए श्वसन में सहायक होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, या फिर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, या फिर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट की पूरी क्लास मेरे चैनल पर हो चुकी है। साथ ही साथ इसके सभी नए जो सिलेबस हैं आपके एनएपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी सिलेबस अपलोडेड है मेरे चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज मैं लगातार अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़कर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो आपको मेरे चैनल पर अपने बीए के सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल फ्री में मिलेगा, यानी आपको ऑल यूनिट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके बीए में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है, तो परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो फेफड़े है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। फिर है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ये लाल रस में पाया जाता है। तो एक और आपसे प्रश्न इसी से दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, फिर कई सारे एंजाइम आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो टाइलिन एंजाइम पर आप क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, यानी जो भी मैं बता रही हूँ, तो बस इनको अच्छे से बेटा याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए एकदम, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। अब देखिए आगे है, मुंह से सांस लेने की हानियां हैं। तो देखिए मुंह से सांस लेने से हवा से कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उल्टी भी हमें आ सकती है, साथ ही साथ हमारा गला भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए तीनों हानियां हमें हो सकती हैं, तो इसीलिए उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फिर अगला आपका प्रश्न है, ग्रास नली को कहा जाता है, तो ग्रास नली को आहार नल कहा जाता है। फिर है बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है, तो आपने ऑप्शन देखिए सीकम, बड़ी आंत के जो पहला भाग होता है उस भाग को सीकम कहा जाता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का है, एग्जाम में जरूर आएगा। फिर है सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, बहुत अधिक रहती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। फिर देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था, ऑप्शन बी देखिए गाल्टन। फिर है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक हैं, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो बुक है उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर कैटल है, ऑप्शन ए आपका कैटल राइट आंसर है। फिर देखिए प्राथमिक उपचार करने वाला हो सकता है, तो प्राथमिक उपचार जो करने वाला है वो डॉक्टर भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, स्काउट भी हो सकता है, तो उपयुक्त सभी हो सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए प्राथमिक उपचार क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की को साथ दुर्घटना कोई घट जाए या उसे चोट आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम उसके साथ हो जाए इस तरह की, तो डॉक्टर के वहां ले जाने से पहले उसके जो भी घाव लगे होते हैं उसको कवर करने के लिए, रिकवरी के लिए प्राथमिक उपचार उसे दिया जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर के वहां तो लेकर जाया जाता है, मगर उसके घाव को थोड़ा सा कवर करने के लिए, रोकने के लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट है। फिर देखिए अगला है पलक नली शिशु का विकास होता है, तो पलक नली शिशु का विकास गर्भाशय में होता है, जब औरत गर्भवती होती है तो गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा होता है तभी पलक नली शिशु का क्या है विकास होता है। तो उसके बाद देखिए गर्भाशय का भीतरी स्तर कहलाता है, तो गर्भाशय का जो भीतरी हिस्सा होता है, अस्तर होता है, वो एंडोमीट्रियम कहलाता है, तो ऑप्शन बी राइट है। स्टूडेंट्स देखिए सभी प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आते हैं। देखिए अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपका सेल आपका सब्जेक्ट ही है, आपका पेपर ही है, तो 1 दिसंबर को याद रख लीजिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखिए सांप के काटने के स्थान पर निम्न में से क्या लगाना चाहिए, तो जहाँ पर सांप काट ले उस जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट लगाया जाता है, तो सबसे पहले हमें पोटेशियम परमैंगनेट वहां पर लगाना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला है मलेरिया और पीत जबर होता है, तो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, और जो पीत जबर होता है वो भी मच्छर के ही काटने से होता है, तो अक्सर ये हमें लोगों में देखने को मिलता है, जब मच्छर ज्यादा आ जाते हैं, मच्छर का जब सीजन आ जाता है ठंडे में, तो अक्सर लोगों में हमें ये चीजें, ये वाली बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो मच्छर के काटने से होता है, टिक कर लीजिए। फिर आगे है हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग है, तो जो यकृत है वो हेमेटाइट रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो यकृत आपका राइट आंसर है। फिर है हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है, तो हैजा रोग का प्रभाव छोटी आंत पर सबसे ज्यादा पड़ता है। देखिए आपके फर्स्ट एड में यही सारे प्रश्न आएंगे और हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। टाइफाइड किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से, टाइफाइड जो फीवर है वो टाइफाइड वो बैक्टीरिया से फैलता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। फिर है लाल रक्त कण का रंग किस वजह से लाल होता है, तो देखिए लाल जो रक्त कण है हमारे जो ब्लड का कलर वो रेड कैसे होता है, तो देखिए जो हीमोग्लोबिन होती है उसी की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर है। फिर है हृदय का आकार होता है, तो हृदय का जो शेप होता है स्टूडेंट, जो हमारा हृदय है उसका जो शेप है वो शंक्वाकार होता है, वो शंकु के आकार का होता है, तो ऑप्शन डी शंक्वाकार करेक्ट है। अगला देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है, तो मेरु रज्जू,
जो है वो पर्दवर्ती क्रिया का प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। देखिए पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, तो पागल कुत्ता के काटने से जो बीमारी हो जाती है वो रेबीज कहलाती है। तो इस तरह से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? ऑप्शन में दे देगा कुत्ता, हाथी, गधा, बैल, कुछ भी दे देगा। तो याद रखिए पागल कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होती है। और स्टूडेंट्स देखिए आपका जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, उसका मॉडल पेपर और भी जो है सॉल्व मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप लोग विजिट करके प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा और उसमें जितनी वीडियोस आपको मिलेंगी आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम में कहीं कभी कभी प्रश्न क्या है वहां से आ जाते हैं। और पूरा 100% ये है कि जो आया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। देख लेंगे तो आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग क्या है हो जाता है। फिर देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, तो देखिए हम जब अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहेंगे, हेल्थी रखना चाहेंगे, तो हमें संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन बी संतुलित आहार राइट है। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा, यानी हमारे देश भारत में सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा क्या है शुरू हुई, तो याद रखिए। अब अगला है यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, तो देखिए जो स्त्री के प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है उसमें गर्भाशय भी होता है, डिंब ग्रंथियां भी होती हैं, डिंब नलिकाएं भी होती हैं। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में उपर्युक्त सभी देगा तो अच्छे से पढ़िएगा, फिर उपर्युक्त सभी पर टिक कर लीजिएगा। फिर देखिए स्तनों से स्त्रावित दूध में पाया जाता है, देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो औरत स्तनपान कराती है तो जो स्तन से निकलने वाला दूध होता है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और वसा भी पाई जाती है। तो स्तन से निकलने वाले दूध में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, तो ये स्तन से निकलने वाले दूध में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देखिए उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट है क्योंकि तीनों चीजें सही है, तो उपर्युक्त सभी पर एग्जाम में टिक कर दीजिएगा। फिर अगला देखिए रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? रुधिर यानी जो ब्लड है, जो खून होता है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, तो उसकी शुद्धि यानी उसकी सफाई, हमारा ब्लड जब साफ होता है उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में फैलता है, तो कहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं? तो फेफड़े में होती हैं। तो याद रखिएगा फेफड़े में ही सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही शुद्ध रक्त हमारे सभी हिस्सों में, हमारे नसों में फैलता है। तो फेफड़े में हमारा क्या है, मुक्त रक्त क्या है, शुद्ध होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन देखे हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, जो आपके बीए, बीएससी एंड बीकॉम तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी के लिए आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और भी जो वीडियोस अपलोडेड हैं। और स्टूडेंट्स देखिए अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, वुमेन जियोग्राफी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, तो सभी के लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियोज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज मिलेंगी। तो बस आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।